हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इससे जो पहले की वीडियो थी, हमने उसमें कुछ क्वेश्चन गेम थ्योरी से रिलेटेड क्विज पेपर में कैसे पूछे जाते हैं, कोई कंपटीशन एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, हमने पढ़ लिए थे। अब यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वो है हमारे पास 11 क्वेश्चन। व्हेन द गेम इज नॉट हैविंग अ सेटल पॉइंट देन द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू सॉल्व द गेम। जो मेथड है वो हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड है। उसके बाद आता है कंसिडर द मैट्रिक्स गिवन विच ऑफ पे ऑफ मैट्रिक्स ऑफ अ गेम आइडेंटिफाई द डोमिनेंस इन इट। फिर डोमिनेंस के लिए हम क्या करते हैं, ये चेक करते हैं किसी रो में, चेक करने के लिए रो को चेक करेंगे तो कोई रो ऐसी निकालेंगे हम जिसका हर एलिमेंट किसी दूसरी रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से छोटा हो। और कॉलम में देखते हैं, कोई कॉलम ऐसा निकालते हैं जो कि किसी दूसरे कॉलम के हर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से बड़ा हो। तो उस कंडीशन में हम देखते हैं, पहले हम रो पे देखते हैं। फिर तो 173, ये 1 छोटा है बट 5 बड़ा है, तो यहाँ पे 7 बड़ा है, 6 छोटा है, तो ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से छोटे नहीं रहे पी के। इस तरह क्यू के भी नहीं मिलेंगे हमें किसी के लिए, आर के भी लिए हमारे पास नहीं मिल रहे। तो अब यहाँ पे जाते हैं कॉलम में, तो वाई पे देखते हैं, तो वाई पे हमारे लिए मिल जाता है कि 7 इससे डोमिनेंस हो जाएगा, ये इससे छोटा है, 7 से बड़ा, 7 3 से बड़ा है जेड के एलिमेंट से, 6 जेड के एलिमेंट 4 से बड़ा है और 2 0 से बड़ा है। तो इस कंडीशन में वाई जो हो जाएगा वो डोमिनेट्स हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर होगा जेड डोमिनेट्स वाई। क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेंड्स, आइडेंटिफाई द अनफेयर गेम। फ्रेंड्स, इसमें अनफेयर गेम है जो डी है अपने पास, ये ऑप्शन करेक्ट है इसमें। उसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है वो अपने पास, इफ देयर आर मोर देन 2 पर्सन इन अ गेम देन द गेम इज नोन एज मल्टीप्लेयर गेम। फ्रेंड्स, क्योंकि मोर देन 2 पर्सन है तो वो मल्टीप्लेयर गेम हो जाएगा, और 2 प्लेयर होंगे तो 2 पर्सन गेम रहेगा वो। क्वेश्चन नंबर 15 है, फॉर अ पे ऑफ मैट्रिक्स ऑफ प्लेयर ऑफ सॉरी फॉर द पे ऑफ मैट्रिक्स द प्लेयर ए ऑलवेज यूज। इसमें जो ए होगा वो किस स्ट्रेटेजी को यूज करेगा। तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं ए के लिए मिनिमम, यहाँ पे मिनिमम है -2 और यहाँ पर है मिनिमम इसके लिए 5। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे उसको मैक्स गेन हो रहा है, तो ए है वो हमेशा सबसे पहले सेकंड स्ट्रेटेजी को यूज करेगा, तो डी इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। अब फिर क्वेश्चन नंबर 16 है वो अपने पास, फॉर द पे ऑफ मैट्रिक्स ऑफ अ गिवन प्लेयर टू प्लेयर बी टू प्लेयर। अब इसमें हमें देखना है कि जो प्लेयर बी होगा वो कौन सा, इसमें स्ट्रेटेजी देखनी है हमें, कौन सी स्ट्रेटेजी है। तो उसके लिए देखने के लिए हमें सिंपली, अगर बी के लिए हमें देखना है फ्रेंड्स कौन सा यूज करेगा, तो बी हमेशा अपने मैक्सिमम लॉस को मैक्सिमम लॉस को मिनिमाइज करना चाहेगा। तो उसको मैक्सिमम लॉस क्या है, माइनस टेन यानी कि उसको यहाँ गेन हो रहा है। और यहाँ पे क्या है अपने पास, सॉरी मैक्सिमम क्या है यहाँ पे -7 और यहाँ पे मैक्सिमम क्या है 8, तो वो -7 यहाँ पे मैक्सिमम है और इस मैक्सिमम का हमें मिनिमम लेना होता है, जो सारे मैक्सिमम हो उन्हें मिनिमम यानी -7 फर्स्ट स्ट्रेटेजी को बी प्लेयर हमेशा यूज करेगा।